नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। 7 सितंबर को दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को 136 दिन बाद 14 राज्यों का सफर खत्म करते हुए श्रीनगर में खत्म हो गई। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक राहुल गांधी की इस यात्रा का घोषित उद्देश्य भारत को एकजुट करना और साथ मिलकर देश को मजबूत बनाना है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बार बार कहा कि वो देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। यात्रा के दौरान जगह जगह भाषण देते हुए और मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और बेरोजगारी, महंगाई, भारत के सीमा क्षेत्र में चीन के दखल का मुद्दा भी उठाया। राहुल ने कई बार मीडिया को भी निशाने पर लिया और भारत के बड़े उद्योगपतियों गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर भी निशाना साधा। आधिकारिक रूप से लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद रविवार को राहुल गांधी की ये यात्रा समाप्त हो गई थी, लेकिन आज सोमवार को इसमें क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया था। श्रीनगर से राहुल गांधी की आज इस दौरान एक अलग ही तस्वीर सामने आई। राहुल ने क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान शेर ए कश्मीर स्टेडियम में बर्फबारी के बीच 35 मिनट लंबी एक स्पीच दी, जिसमें उन्होंने 2 बार मोदी, अमित शाह, RSS का जिक्र किया और BJP पर हमला बोला। बर्फबारी होती रही और राहुल गांधी स्पीच देते रहे। कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को इस यात्रा से क्या और कितना फायदा हुआ, इस पर राजनीतिक विश्लेषकों के अपने अपने विश्लेषण हैं, अपने अपने मत हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इस यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं सक्रिय जरूर हुए हैं। जिन जिन राज्यों से ये यात्रा गुजरी है वहां पार्टी और कार्यकर्ता कार्यशील हो गए। एक तरह से कहा जा सकता है कि इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को नई जान जरूर मिली है। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी या कांग्रेस को राजनीतिक रूप से कितना फायदा होगा, लेकिन अगर कांग्रेस अब अपने दम पर 100 लोकसभा सीटों तक का आंकड़ा छूने की स्थिति में भी होती है तो राहुल गांधी निश्चित रूप से विपक्ष का बड़ा चेहरा बन जाएंगे। आज कश्मीर से एक और बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बर्फ पर जमकर मस्ती करते हुए दिखाई दिए। दोनों एक दूसरे पर बर्फ के गोलों से मजाकिया अंदाज में हमला कर रहे थे। राहुल गांधी की 3,500 किलोमीटर लंबी ये यात्रा कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाती है, ये आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।